नमस्कार, क्राइम रिपोर्टर सीरीज में आपका स्वागत है। मैं उनिशा सरोज, आई नजर डालते हैं आज कुछ खास खबरों पर। मनोहर के नेतृत्व की सरकार ने उनकी कई मांगे मानी। नीमा के राज्य प्रधान डॉक्टर विश्वजीत सिंह फोगाट का कहना है कि सरकार से काफी मांगे उन्होंने रखी थी, सरकार ने उनमें से उनकी मांगों को माना भी है, जैसे कि किसी नेक्जिलेशन बोर्ड में उनके एक सदस्य को साथ देने, ट्रांसमिशन का अधिकार भी सरकार ने उनके डॉक्टर को दिया, जिसको लेकर उनके डॉक्टर जल्द ही मुख्यमंत्री का सम्मान समारोह करने जा रहे हैं, जिसकी तैयारी भी वो लोग कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इसके लिए उसके सदस्य जल्द ही मुख्यमंत्री के समय में लेंगे, वो अपनी कुछ बची हुई मांगों के बारे में भी चर्चा करेंगे। वही राज्य प्रधान ने कहा कि 21 जुलाई को पानीपत के केंद्रीय नीमा एसोसिएशन की एक बैठक आयोजित की जा रही है। इस बैठक के बाद उनके सदस्य केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री नीति आयोग के सदस्यों से भी अपनी समस्याओं को लेकर बैठक करेंगे। इसकी रूपरेखा भी पानीपत में आयोजित बैठक में की जाएगी। मीटिंग के अंदर की कब जाना है हमें, हम उनसे मिलेंगे और उनसे समय लेंगे और हम जल्द से जल्द ये प्रोग्राम उनका करवाना चाहेंगे। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि ये प्रोग्राम हम कुरुक्षेत्र के अंदर करवाएं, ये पानीपत के अंदर दो स्थान है हमारे दिमाग में, लेकिन हमारी कार्यकारिणी अगर किसी तीसरे स्थान के लिए तैयार होती है तो उस बारे में भी करेंगे। दूसरा हमारा जो है नीमा की केंद्रीय कार्यकारिणी की एक बैठक है 21 जुलाई को पानीपत के अंदर, उसकी रूपरेखा हरियाणा नीमा उसको होस्ट कर रही है, मेजबान है, तो उसकी रूपरेखा बनाने के लिए भी यहाँ आज ये मीटिंग बुलाई गई है, ताकि जो है हमारी जो केंद्रीय सभा है उसके साथ में हमने कैसे काम करना है, क्या उन्होंने पूरे देश में जो है हमारे ग्रेजुएट्स के लिए काम किया है, और साथ ही हमारा जो है केंद्रीय सभा के साथ हमारी केंद्रीय नीमा के साथ मिलकर के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी, श्रीपद नायक जी और नीति आयोग के उपाध्यक्ष जी से इनसे भी मिलने के बारे में हमारी बातचीत चल रही है। 21 जुलाई के बाद में हमने उनसे भी मिलना है, तो यहाँ हमारे राज्य भर से आए हुए जो हमारे प्रतिनिधि हैं, हम उनसे ये सलाह करके विचार विमर्श करके कि हमारी क्या क्या समस्याएं ऐसी हैं जिनको हम जो है केंद्रीय स्तर पर भी उठा सके, तो उन बारों के ऊपर विचार करने के लिए ये मीटिंग आज। सर, सबसे बड़ा सर हरियाणा नीमा, मैं व्यक्तिगत रूप से भी हरियाणा नीमा का अध्यक्ष के रूप से भी और इस हत्या की कड़ी निंदा करता हूं, और दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ करके कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की सरकार से मांग करता हूं, और मुझे यकीन है कि ये सरकार दोषियों को पकड़ेगी, उनको सजा दिलवाएगी। हत्या या किसी भी तरह की हिंसा को किसी भी रूप में जायज नहीं ठहराया जा सकता, हत्या चाहे एक आम व्यक्ति की हो, एक गरीब की हो, एक अमीर की हो या एक भिवानी से साहिल गिरधर की एक रिपोर्ट।